एवरीवन वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वन सेकेंड। और आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। झारखंड बीएससी एग्रीकल्चर का रिजल्ट को लेकर काफ़ी बिग अपडेट है, दैट कि रिजल्ट कब आएगा। बहुत लोगों को डाउट था दैट कि रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट को लेकर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इवन कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट कि कट ऑफ क्या होने वाला है। और आगे की जो वीडियोज़ आएंगे ना, उसमें मैं आपको बताऊँगा दैट कि झारखंड के अंदर एग्रीकल्चर के कितने कॉलेजेस हैं, फिशरी के कितने कॉलेजेस हैं एंड फॉरेस्ट्री के कितने कॉलेजेस हैं। तो आप चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करके रखिएगा, एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो एक बार ही कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और झारखंड बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कौन सा बेस्ट कोर्स है, उसके बारे में बात करेंगे। कट ऑफ के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं ना, दैट कि कट ऑफ क्या रहने वाला है इस बार का। तो यस, कट ऑफ एज यूजुअल लास्ट ईयर जैसा ही रहने वाला है, ठीक है। प्लस माइनस हो सकता है फाइव मार्क्स, ठीक है। अगर इंक्रीज़ भी होगा ना तो 5 मार्क्स से ज़्यादा नहीं होने वाला, एंड डिक्रीज़ भी होगा तो 5 मार्क्स से ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होने वाला है। तो वेट के लिए आप ना सेफ स्कोर अभी के लिए मान सकते हो, ओबीसी और जनरल वालों के लिए दैट इज़ 100 फॉल हो सकता है तो 95-96 जाएगा, ठीक है। उससे ये नीचे नहीं जाने वाला कट ऑफ। और एससी के लिए कट ऑफ ऑलरेडी डिक्रीज़ ही रहता है, 60 और 40 के बीच अगर है आपका मार्क्स तो यस हो जाता है, ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में एक सेपरेट वीडियो आएगी, पूरी अच्छी एक सेपरेट वीडियो आएगी, उस वीडियो को आप देख लेना। फिलहाल अभी रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे दैट कि रिजल्ट कब आएगा। तो देखो, झारखंड बीएससी एग्रीकल्चर का ना फाइनली जो है ना एग्ज़ाम का टोटल जो दिन हो गए हैं वो ना 10 दिन हो गए हैं, ठीक है। और एक्सपेक्टेड है कि आपको 5 डेज़ के अंदर रिजल्ट देखने को मिल सकता है, 15 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। एंड उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट करना है झारखंड कंबाइन वालों को। तो रिजल्ट जब भी आता है ना, तो रिजल्ट जो है ना वो कम्प्लीटली आपको रिजल्ट सेक्शन में देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा और कहीं पर देखने को नहीं मिलता है। एक डाउनलोड सेक्शन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, जब भी आता है रिजल्ट तो आपको डाउनलोड सेक्शन पर क्लिक करना है, एंड डाउनलोड सेक्शन पर एक कम्प्लीट PDF आएगी जिसमें टोटल PCM PCB ग्रुप वालों का रिजल्ट होगा और इवन CML रैंक एंड कैटेगरी रैंक भी होगा, देख सकते हो। इस तरीके से आंसर की तो आ गया है, बस बचा हुआ है तो वो ओनली है दैट इज़ रिज़ल्ट, ठीक है। तो आपको ये मान के चलना है ना कि 15 तारीख से पहले आपका रिजल्ट जो है झारखंड बीएससी एग्रीकल्चर का वो पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। और काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि काउंसलिंग का जो प्रोसेस होगा ना वो काफ़ी सेंसिटिव रहेगा, तो कट ऑफ काफ़ी मतलब मायने रखता है। 0.25 मार्क्स इवन काउंट होगा इसमें, ठीक है। तो अगर 0.25 मार्क्स से छूट भी सकता है आपका एंड मिल भी सकता है, तो बी श्योर दैट कि काउंसलिंग जो भी जब भी कीजिएगा तो अच्छे से कीजिएगा एंड सेफली कीजिएगा, ताकि आपका काउंसलिंग सक्सेसफुली हो जाए एंड आपका अलॉटमेंट लेटर भी आ जाए। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिजल्ट को लेकर एंड कट ऑफ को लेकर। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।